अगर वृंदावन में चमत्कारों की बातें करें तो वहाँ हर रोज़ भगवान कुछ ना कुछ ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं ब्रज में ऐसे कई जगह हैं जहाँ आज भी श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है निधिवन तो वहाँ आज भी भगवान रास करते हैं और नॉट जस्ट निधिवन वृंदावन के इतने सारी जगह है जहाँ ठाकुर जी अभी भी रास करते हैं हर जगह रास मंडल है कभी भी किसी को अगर ऐसा होता है ना एक्सपीरियंस तो उसको कभी बताना नहीं चाहिए मेरा भी एक एक्सपीरियंस रह चुका है सेवा कुंज में जी आ, वो बहुत ही अद्भुत था मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करती हूँ आपको अगर वृंदावन को जानना है तो वहाँ के जो साधु हैं जिन्होंने अनुभव किया एक्सपीरियंस उनसे मिले उनसे पूछिए तो फिर आपको उसका मजा कई गुना बढ़ जाएगा वो आनंद आपको आएगा आपको समझ आएगा क्या है वृंदावन तो राधा रानी ने एक बच्ची का बालिका का रूप बनाया और बच्ची बनके खीर लेके आ गई राधे राधे मैं हूँ प्रीतिका राव वेलकम टू माई पॉडकास्ट ये हिंदी में होने वाला है और आज मेरे साथ है देवी चित्रलेखा जी जो सात साल की उम्र से कथाएं कर रही है वेलकम ऑन माई पॉडकास्ट चित्रलेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मैं कहना चाहूंगी आ, शायद आपका पॉडकास्ट मेरे साथ तो लास्ट ईयर ही होता बट वो हो नहीं पाया आ, बहुत वक्त लगा बट आई आई थिंक आए बिलीव इन डेस्टिनी तो शायद जो कहते हैं हर चीज़ टाइम पर ही होती है जब उसका समय निश्चित होता है तो आई थिंक आज वो दिन है बिल्कुल भगवान ने पहले से ही सोच के रखा है मैं चाहती हूँ कि आपने बहुत पॉडकास्ट ऑलरेडी आप कर चुकी हो हर पॉडकास्ट में आपसे कई बार मैं मैंने देखा सेम सेम सवाल ही पूछी जाती है जी। मैं चाहती हूँ कि आज हम बहुत स्पेशल बातें करें आप वृंदावन से हैं आप कृष्ण भक्त हो मैं कृष्ण डिवोटी हूँ एंड वृंदावन मेरे यू uh, नो you know, मेरे लिए बहुत एक खास जगह है बिकॉज श्री कृष्ण की नगरी है एंड uh, मैं चाहती हूँ कि uh, हम आज कुछ ऐसी स्पेशल बातें करें श्री कृष्ण के बारे में जो अक्सर हम करते नहीं हैं क्योंकि एक झिझक होती है कि पता नहीं आस्था होगी लोगों में वो विश्वास कर लेंगे या नहीं But, um, uh, मेरा ऐसा मानना है कि आज लोग तैयार बिल्कुल। हाँ, पहले तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, से स्टार्ट कर सकते हैं या तो हम वृंदावन के एक्सपीरियंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो जैसे आपने कहा मेरा जन्म हुआ है वृंदावन ब्रज की धरती पे तो मुझे पहली बात तो वृन्दावन का जो एक रस जो है उससे कनेक्ट में जन्म से ही हो गई उस धरती से वहाँ के वातावरण से वहाँ की जो सोच है वहाँ की जो भक्ति है उससे तो पहला कनेक्शन ही जो शुरुआत जीवन की हुई वो कृष्ण और राधा रानी दोनों के साथ हुई दूसरी बात जो वृंदावन के जो चमत्कार है या फिर मैं अक्सर कहती हूँ कि वृंदावन चमत्कार तो है ही है पर भक्ति में चमत्कार से ज़्यादा होता है विश्वास अगर वृंदावन में चमत्कारों की बातें करें तो वहाँ हर रोज़ भगवान कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ ना कुछ लीला करते रहते या ये कह लीजिए कि वो एहसास दिलाते रहते कि मैं यहाँ हूँ मैं इस भूमि को इस वृंदावन को ब्रज को छोड़ करके कभी भी नहीं जाऊंगा अब इस पे भी एक क्वेश्चन लोग करते हैं कि जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा इवन अगर आप को जानते हो तो वृंदावन के पास एक गांव है वहां पे एक पत्थर है जिसको शिला कहते हैं हिंदी में और उसका नाम है सौगंधनी शिला मतलब सौगंध मतलब जब आप किसी की कसम खाते हैं तो कृष्ण ने उस पत्थर पे खड़े होकर कसम खाई थी सारे ब्रजवासियों के सामने कि मैं कभी ब्रज से दूर नहीं जाऊं। अब कोई कहेगा कि जब और वो पत्थर आज भी दर्शन करने उसको जाते हैं उस शिला के। तो जब कृष्ण ने कह दिया कि मैं जाऊंगा नहीं और एक तरफ हम सुनते कृष्ण चले गए उन्होंने ब्रज को छोड़ा मथुरा गए द्वारिका गए तो इसका क्या मतलब हुआ हम ब्रज वाले मानते हैं कि कृष्ण इतना सामर्थ्य वाला है कि वो एक नहीं वो हजारों रूप बना सकता है उसके पास ये पावर है तो उन्होंने क्या किया जो उनका मूल रूप है वो उससे हमेशा ब्रज में रहे उन्होंने अपना एक और जिसको ऐश्वर्य रूप कहते हैं नारायण रूप कहते हैं वो ब्रज से बाहर गया यानी जो असल हमारे ठाकुर जी हैं उन्होंने कभी ब्रज छोड़ा ही नहीं वो आज भी हैं वो तब भी थे और वो जब तक भूमि रहेगी कृष्ण वहीं रहेगी तो वो रूप कौन सा था जो आप कृष्ण का रूप है माधुरी रूप दो रूप हैं कृष्ण के अच्छा द्वारिका जो वाला है वो ऐश्वर्य ऐश्वर्य मतलब बहुत सारा वैभव क्योंकि वो वहाँ राजा हैं ऑटोमेटिकली राजा के चारों ओर बहुत सारे वैभव होगा वे द्वारपाल होंगे पर ब्रज वाला जो माधुर माधुर मतलब मधुर जिसमें बहुत सारा प्यार हो वो वाला जो रूप है कृष्ण का आप अगर बहुत ही आज की लैंग्वेज में बोलो द्वारिका वाला जो कृष्ण है द्वारिका कृष्ण का ऑफिशियल फील्ड है जब कृष्ण को अपना कोई ऑफिशियल काम करना होता तो द्वारिका है बट ब्रज जो है वो श्री कृष्ण का घर है चमत्कार की जहाँ तक बातें करें ब्रज में ऐसे कई जगह हैं जहाँ आज भी श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है कृष्ण के चरणों की जो पायल है उसकी नूपुरों की आवाजें आती हैं। वंशीवट एक जगह है वहां एक बहुत पुराना हजारों साल पुराना पेड़ है उस पेड़ पर जब आप कान लगाते हैं अभी भी लोग वहाँ जाते हैं सुनते हैं तो उनको उससे ठाकुर जी के घुंगू की आवाज आती है अच्छा और एक सबसे ज्यादा जो फेमस तो है भी सुना होगा निधिवन जी मैं गई हूँ वहाँ पर हाँ तो उसका एक अगर आपने उसको महसूस किया तो आई थिंक आप उसको वर्डिंग में शब्दों में नहीं बता सकते वो अनुभव वाला एक्सपीरियंस वाला क्योंकि वहाँ जो वाइब्रेशन है जो वहाँ कृष्ण के होने का एहसास होता है वो जाके ही पता लग सकता है तो वहाँ आज भी भगवान रास करते हैं और नॉट जस्ट निधिवन वृंदावन के इतने सारी जगह हैं जहाँ ठाकुर जी अभी भी करते रास करते हैं हर जगह रास मंडल है वहाँ भगवान रोज रात्रि को रात को आते हैं और श्री राधा रानी गोपियों के साथ रास करते हैं माखन चोरी होती है कितने लोग के इवन अभी भी बिहारी जी में राधा रमन जी में जो प्रसिद्ध मंदिर है ब्रज के वहाँ कभी ठाकुर जी श्रृंगार नहीं धारण करते मतलब बिहारी जी को आज अगर मुकुट नहीं पसंद है तो नहीं पहनेंगे तो ये कैसे होता है ये उनकी लीला है ये लीला है कि बार बार मुकुट गिर जाएगा अच्छा या फिर सामने होते हुए भी वो कहीं ना कहीं दिखेगा नहीं तो इसका मतलब है कि वो जो पुजारी जी जो सेवा में रहते वो समझ जाते आज इनका मूड नहीं है अच्छा आज इनको ये कलर पहनना नहीं है या तो वो साइज सही नहीं आएगा या कहीं से थोड़ा बहुत कुछ उसमें कुछ कमी फटा हुआ है कुछ मिल जाएगा इसका मतलब देखो ब्रज के लोग मानते जो होता है हमारे ठाकुर जी की मर्जी से होता है तो अगर ऐसा भी थोड़ा बहुत भी कुछ इधर उधर हो रहा है तो इट मीन्स भगवान नहीं चाहते वो इसी बात से समझ जाएंगे कि ये इशारा है भगवान का अच्छा तो ये ऐसे चमत्कार होते रहते हैं और पर्सनल अगर मैं बात करूं तो आ, देखो पहली बात तो ये कभी भी किसी को अगर ऐसा होता है ना एक्सपीरियंस तो उसको कभी बताना नहीं चाहिए भगवान से जुड़ा हुआ मेरा भी एक एक्सपीरियंस रह चुका है सेवा कुंज में जी आ, वो बहुत ही अद्भुत था मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करती हूँ हाँ जी लेकिन आप मतलब मैं सिर्फ ऐसे ही एक क्या बोलते हैं ऊपर ऊपर से अगर बातें करनी है तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ ऑडियंस से भी कि जिनको एक होता है ना एक डाउट रहता है कि क्या हमारे ये देवी देवताएं एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं या वो काल्पनिक है मैं सिर्फ इतना ही कि उस अनुभव के बाद मैंने आ, मतलब एक चीज तो मैंने जान ली कि नहीं जैसे उनका वर्णन होता है जैसे उनको बताया जाता है वो वैसे ही है बस मैं उतना ही कह सकती हूँ उसके बारे में उसके बाद या आगे मुझे कुछ नहीं कहना ये बिल्कुल सही बात है आपकी देखो अब आप लोग जो कह रहे हैं ना काल्पनिक उनका रीजन यही है कि उन्होंने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया नहीं या उन्होंने ट्राई भी नहीं किया एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए आप जब हर चीज अपनी लाइफ में मानते हो कि एक बार ट्राई करना चाहिए मैं अक्सर यूथ को विशेषकर टारगेट करके कहती हूँ यूथ कहता है कि लाइफ में एक बार नशा करना चाहिए लाइफ में एक बार ये जगह जाना चाहिए और बहुत गलत गलत चीज़ भी है जो वो इस नाम से करते हैं कि लाइफ में एक बार करना चाहिए तो मैं कहती हूँ भगवान को भी एक्सपीरियंस एक बार करके देखो आप उसको भी ट्राई करके देखो आप कोशिश ही नहीं करते आप जस्ट ये कह के इग्नोर कर देते हो कि ये कहानियाँ हैं जैसे आपने कहा काल्पनिक है हिस्ट्री है नहीं हिस्ट्री नहीं है आपके पास जो भगवान हैं देवी देवता हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है वो थे नहीं वो हिस्ट्री में नहीं थे वो आज भी है आपको उनको देखना पड़ेगा जी। तो अगर आप ऐसी जगह जाते हैं जैसे वृंदावन वही राम जी में श्रद्धा रखता अयोध्या जाइए काशी विश्वनाथ जाइए तो ये जगह आपको भगवान के होने का फील कराती है वैसे तो हर जगह है यहाँ भी है सारे दुनिया में बट कुछ ऐसी जगह होती है जहा ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग रहते हैं जैसे अगर आप वृंदावन चले जाओगे तो वहाँ लोग भरे पड़े जिनको हर रोज श्री कृष्ण कुछ ना कुछ दिखते रहते हैं लीला करते रहते हैं आप उनसे जाके मिलिए और एक बात मैं लोगों से हमेशा निवेदन करती हूँ आप वृंदावन गए आप बिहारी जी गए आपने हाथ जोड़ा निकल के आ गए आपको मजा नहीं आएगा आपको अगर वृंदावन को जानना है तो वहाँ के जो साधु हैं जिन्होंने अनुभव किया एक्सपीरियंस उनसे मिलिए उनसे पूछिए तो फिर आपको उसका मजा कई गुना बढ़ जाएगा वो आनंद आपको आएगा आपको समझ आएगा क्या है वृंदावन किसी और की एक्सपीरियंस आप सुना सकते हैं जो उन्होंने आपको सुनाई है भक्तमाल उसमें भक्तों की पूरे एग्जाम्पल है एक ब्रज के भक्त आता है उसमें जितने भी ब्रज के भक्त हुए हैं जितने संत हुए हैं उनका अनुभव है तो उसमें एक आते हैं हमारे गौड़िया संप्रदाय के श्री रूप गोस्वामी जो षड शड छोस्मियों में से एक होते हैं तो एक बार वो नंदगांव के पास एक बहुत प्यारी सी जगह है कोई अगर फ्यूचर में वृंदावन जा रहा हो तो जरूर वहाँ जाइएगा टेर कदम उसका नाम है बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप प्रॉपर वृंदावन पहुंच गए हो पुराना जो जमाने का वृंदावन था तो वहाँ वो रहते थे एक बार उनसे उनके भाई मिलने आए सनातन गोस्वामी तो भाई मिलने आए तो उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे भाई को कुछ खीर मीठा बना के खिलाना है लेकिन वो थे एकदम वैरागी ना तो कुछ अपने घर पे रखते थे वो भिक्षा मांगते थे रोटी मांग के लाते मन में तो आ गया कि खीर खिलानी है लेकिन अब कहाँ से लाएं तो कहते ना कि ब्रज में जो रहता है उसका ध्यान सबसे पहले राधा रानी रखती है तो उनको समझ आ गया कि इनको खीर लानी है तो राधा रानी ने एक बच्ची का बालिका का रूप बनाया और बच्ची बन खीर लेके आ गई बना करके रूप गोस्वामी को दिया तो उन्होंने देखा कि कोई बच्ची आई है पहले कभी देखा नहीं इसको गांव में तो पूछा तो उन्होंने कहा कि बस मैं कई दूर गांव से आई हूँ और खीर लाई दे करके वो चली गई तो उन्होंने अपने भाई को दी भाई ने जैसे सनातन गोस्वामी ने उसको खाया तो स्वाद से पता चल गया कि ये किसी आम आदमी के हाथ की नहीं अच्छा उसका स्वाद ही कुछ अलग था उन्होंने पूछा किसने बनाई बोले एक लाली आई थी देकर के चली उसने कहा बाबरे इस जंगल में कौन लाली आएगी इस जंगल में राधा रानी आएगी और तब वो अनुभव ऐसा हुआ सनातन और दोनों भाइयों को दिन रात वो उसी के लिए रोते थे कि कब श्री राधा रानी दोबारा आएंगी और हम पर कृपा करेंगी और आज भी अगर आप जाओगे ना टेर कदम में तो वहां प्रसाद वही खीर मिलती है तब से ये परंपरा चल रही है कि वहाँ खीर रोज बनती है जो जाता है सबको वहाँ खीर दिलाई जाती है तो ऐसे एक्सपीरियंस उस किताब में लिखे हुए हैं संतों के और वो आज भी सबको मुझे लगता है जो जाएगा सच्चे दिल से उसको वहाँ अनुभव होगा क्या बात है सूरदास हम सूरदास की बात करें आ, इनके बारे में कुछ अनुभव आपने पढ़े हैं जो उनके साथ हुआ है स्वामी सूरदास के साथ बहुत सारे अनुभव हैं स्वामी सूरदास जी की जो आ, कथा है जो लिखी गई है भक्तमाल में उसमें उनके जीवन की शुरुआत ही जो हुई वो भक्ति से हुई कहते हैं सूरदास जी पूर्व के जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे उद्धव जी वही सूरदास बन करके कलयुग में आए अच्छा तो उद्धव ही सूर बने और सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे तो पेरेंट्स जो उनके पिताजी थे थोड़े लालची थे तो कहते हैं कि उनको लगा कि अंधा पैदा हो गया रोज कोसते थे तो सूरदास जी भी नहीं चाहते थे रहना घर में वो चाहते थे घर छोड़ के चला जाऊं पर एक चाहिए होता ना एक रीजन चाहिए होता है तो उसमें लिखा है कि एक बार उनके पिताजी कर्म कांड करते थे घर जाके पूजा कराते थे दक्षिणा लेते थे दक्षिणा में किसी ने सोने के सिक्के दिए तो सिक्के लेके वो आ गए बट वो सिक्के घर में उनसे खो गए अब वो ढूंढ रहे हैं तो सूरदास जी ने सूरदास जी को भी क्वेश्चन है जिस दिन से घर में पैदा हुआ है सब कुछ बेकार है तो सूरदास जी ने कहा मुझे पता है सिक्के कहा मैं बता दूंगा जबकि उनके पास आंखें नहीं थी पर होता ना भक्त के पास दिव्य दृष्टि होती है तो पिताजी ने कहा बताओ उन्होंने कहा बताऊंगा बट मेरी एक शर्त है मैं तुमको सिक्के दे दूंगा तुम मुझे घर से आजाद कर घर पे नहीं रहूँ तो पिता को थोड़ा लालच था उन्होंने कहा ठीक है तू चला जा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक चूहा है घर में इस कोने में वो खींच के आपकी पोटली ले गया वहाँ ढूंढ तो उन्होंने ढूंढा मिल गई तो बड़े खुश हुए अब उन्होंने वो सूरदास जी जाने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ तो पिता ने थोड़ा सा तो पिता है तो रही रहा ही मन में मोह बोला रुक जा तो सूरदास जी ने कहा रुक जाऊँगा पर दोबारा तुम्हारे सिक्के खो जाएंगे अगर मैं रुका तो, तो पिताजी बोले फिर तो तू चला जा और सूरदास जी उसी दिन घर छोड़ के निकल गए और फिर सारा जीवन उन्होंने ब्रजभूमि में बिताया वृंदावन में कई जगह हैं जहाँ सूरदास जी रहे हैं शिवल्लभ महाप्रभु से उनकी दीक्षा हुई और उनके जीवन में एक या दो या दस बार नहीं हजारों बार उनको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का दर्शन हुआ है या भगवान ने उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी लीला की है जिससे उनको पता चले कि कृष्ण एकदम मेरे सामने खड़े हुए कथाओं में मैं बहुत बार ये लीलाएं है जो हैं सूरदास जी की वो सुनाती हूँ कि गोवर्धन में वो रहते थे तो श्री राधा कृष्ण दोनों उनसे मिलने के लिए आए अब ठाकुर जी दर्शन देने आए पर उनको पता है इसको दिखाई नहीं देता तो राधा रानी उनके एकदम पास खड़ी थी तो भगवान ने इशारा किया सूरदास को भगवान ने सूरदास को इशारा करके कहा जोर जोर से बोल रहे हैं ताकि इसको सुन जाए भगवान ने कहा राधा रानी को कि हे श्री जी आपको पता नहीं ये दिखने में ही अंदा है बहुत चालाक है आपका पांव पकड़ लेगा तो मतलब भगवान एक इशारा दे रहे कि पकड़ ले सामने खड़ी है तेरे तो श्री सूरदास जी फिर भी थोड़ा सा घबराए और घबरा के उन्होंने जैसे हाथ आगे किया श्री जी राधा रानी के चरण आए राधा रानी पीछे हटी तो वो तो पीछे हट गई पर राधा रानी का एक पायल उनके हाथ में आ गई सूरदास जी ने सोचा बस काम बन गया क्यों क्योंकि पायल लेने तो आना ही पड़ेगा इनको तब पकड़ूंगा तब छोड़ूंगा नहीं तो फिर श्री ठाकुर जी राधा रानी आए और आकर के उनको दर्शन दिया उन्होंने उनको पायल वापस लौटाई और दर्शन दे के आंखें दी सूरदास जी को भगवान ने नेत्र दिए आंखें आ गई दृष्टि आ गई देख लिया दर्शन कर लिया और फिर कहा कि अब तुझे क्या चाहिए तो सूरदास जी ने कहा कि ये आंखें वापस ले इनका जो काम था वो हो गया अब मुझे इससे दुनिया को नहीं देखना क्योंकि मैंने दुनिया बनाने वाला देख लिया क्या बात है तो उन्होंने आंखें वापस दे दी और फिर से वो दृष्टिहीन रह के सारी आयु सारी उम्र उन्होंने ऐसे भजन किया तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिनमें सूरदास जी को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है अनुभव हुआ है मुझे ये कहानी सुन के पंडरपुर के श्री विठल जी की कहानी पांडुरंग की कहानी याद आई उन्होंने भी ऐसे ही दर्शन दिया था उनके भक्त को मीराबाई की बात करते हैं मीराबाई का जो प्रेम है वो कृष्ण से हमेशा उसकी बातें होती रहेंगी होती रहेंगी तो आ, मैं जानना चाहती हूँ कुछ ऐसे अनुभव हैं मीराबाई की जो बहुत फेमस है या जो शायद लोगों को पता नहीं है जिनके बारे में आपने सुना है या पढ़ा है कहीं ग्रंथों में कि मीरा बड़ी होने के बाद जो है वो तो सब जानते हैं लेकिन लोग ये नहीं जानते कि मीरा को ये जो प्यार है कृष्ण प्रेम है ये उनको गर्भ में जब वो थी उनकी माता जब गर्भवती प्रेग्नेंट थी तभी से मिल गया था क्योंकि उनके जो दादाजी थे दूदा साहब बोलते थे उनको उन्होंने अपने घर में भागवत कराई थी श्रीमद भागवत का पाठ हुआ था वृंदावन से एक संत आए थे और उस समय उनकी माँ गर्भवती थी उन्होंने सात दिन कथा सुनी भागवत की तो भागवत में कृष्ण प्रेम होता ही है कृष्ण की लीलाएं होती उन्होंने बैठ के घर में सुनी फिर उनका जन्म हुआ उनके जो दूदाजी थे वो उनको बचपन में भी कहानियां सुनाते थे फिर वो पांच साल की हुई पांच साल की उम्र में एक और दोबारा भागवत कराई गई उसमें एक वृंदावन से साधु आए कथा हुई कथा विश्राम हुई कथा कथा के बाद उन संत जी ने पूछा ऑडियंस से कि किसी को कोई क्वेश्चन कोई जिज्ञासा कोई बात पूछनी हो सब ने कहा नहीं हमें नहीं पूछनी वो चल पड़े और जैसे वो जा रहे थे तो मीरा ने आके उनका कपड़ा पकड़ा जो कुर्ता पहने थे और पांच साल की थी उस समय मीरा भाई उन्होंने कहा कि मुझे पूछना है पहली बात तो यही बहुत बड़ी बात है पांच साल का बच्चा क्या पूछेगा उन्होंने सोचा कुछ टॉफी चॉकलेट ये सब बातें होंगी तब मीरा ने पांच साल की उम्र में ये प्रश्न किया उस बाबा से रोते हुए आंख में आंसू थे और उनसे कहा कि बाबा आप जिस कृष्ण की कथा सुना रहे थे ये कृष्ण मुझे कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा बस इतना बता दीजिए तो जैसे उस संत ने भी ये बात सुनी तो उनकी आंखों में भी ये सोच के आंसू आ गए कि मेरा पूरा जीवन कृष्ण कथा कहते कहते चला गया मेरे मन में कभी क्यों नहीं आया कि ये मुझे कब मिलेगा जिसकी कथा में गा रहा हूँ और ये पाँच साल की बच्ची पूछ रही है कि कब मिलेगा तो उन्होंने तुरंत दूधा साहब को बोला कि दूदा साहब आपके घर में कोई बच्चा नहीं आया ये भगवान का भेजा कोई पार्षद दूत है इसको संभाल के रखना ये हीरा है आपके घर में तो मीरा बाई के उस चरित्र में लिखा है कि सब लोग बार बार मीरा के अगेंस्ट रहे पर दूधा साहब ने कभी साथ नहीं छोड़ा तो कुछ टाइम तक रहे मीरा के जीवन में फिर उनकी मृत्यु हो गई फिर एक दिन जब मीरा थोड़ी और बड़ी हुई तब गांव में बारात निकल रही थी और ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है आई थिंक जो जानते हो सब सुने होंगे कि बारात जा रही थी तो हंसी हंसी में उन्होंने माँ से पूछा माँ क्या जुलूस जा रहा है तो माँ ने कहा जुलूस नहीं शादी जा रही बारात जा रही है तो बारात जा रही है घोड़े पे कौन बैठा है तो बोले घोड़े पे बींद बैठा है राजस्थानी में पति को बींद बोलते हैं तो बींद बैठा है तो मीरा ने पूछा मेरा बींद कहाँ है मेरा पति कहाँ है तो माँ ने कहा रही तू बच्ची है अभी तो बोली नहीं नहीं मुझे बताओ मेरा पति कहाँ है तो माँ हंसते हंसते साथ में गिरधर की मूर्ति रखी थी मजाक में ऐसे माने का, ये तेरा बीन और बस वो दिन था जिस दिन से मीरा ने उस बात को गांठ बांध लिया कि ये है मेरा बीन। अब तक मीरा ऐसे ही खड़ी थी पर जैसे माने कहा ना कि ये तेरा बीन है राजपुतानी थी तो राजपूतों में घूंघट होता है तुरंत मीरा घूंघट करके ऐसे खड़ी होगी और गिरधर को मान लिया कि यही मेरा पति है और मीरा का प्रसिद्ध जो पद है वो भी है कि जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई तो तब से ही मेरा के जीवन में भक्ति की जो यात्रा है वो शुरू हुई और आगे चल के भी लाखों परेशानियां जो लोग कहते हैं ना कि हम भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर वाले नहीं मानते हम ये नहीं कर सकते एक्सक्यूज बहुत होते हैं पर मीरा से सीखो मीरा ने सब बंधन तोड़े चाहे कितनी भी रुकावटें आई और अंत में जाके द्वारिकाधीश जो द्वारिका में गुजरात में है उस मंदिर में मूर्ति में जाके मीरा समा गई शायद ये कुछ लोग जानते होंगे मीरा की मृत्यु नहीं हुई मीरा की मौत नहीं हुई उनका शरीर नहीं मिला वो गिरधर से मिलने गई थी एक बार लास्ट बार और उस मंदिर से कभी वो बाहर नहीं आई तो द्वारिकाधीश जी की जो मूर्ति है उसी मूर्ति में मीरा समाई हुई है जैसे जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु समाये विठल पांडुरंगा में श्री नामदेव जी वैसे द्वारिकाधीश में श्री मीराबाई समायी मुझे ये पता नहीं था क्योंकि मैंने कुछ अलग कहानी सुनी थी मैंने ये सुना था कि उनकी जल समाधि हुई थी यमुना में और उनके गुरु ने ही उन्हें कहा था कि आप जाके जल समाधि लीजिए पर शायद आ, आ, नहीं ऐसा मुझे किसी ने अब लिख दिया तो मैं नहीं कह सकती बट आ, जो ऑथोराइज ग्रंथ है अच्छा उनमें जहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ मीरा द्वारिकाधीश की मूर्ति में जाके सम, सम्मिलित हो गई क्या बात है मतलब आ, क्या कुछ ऐसा हुआ था उनके साथ कि वो मंदिर में गई और फिर उनके प्राण वहीं निकल गए ऐसा कुछ हुआ था नहीं मुझे नहीं लगता प्राण निकले मुझे लगता है कि वो जहाँ से आई वहीं उन कृष्ण में समा गई और ये कहानी भी इसलिए हुई उस समय मीरा की कोई जाने की आयु नहीं थी पर मीरा उस समय जो उनका जन्मभूमि मेड़ता वो छोड़ चुकी थी वो थक गई थी क्योंकि सारा संसार परिवार उनके विरोध में था तो वृंदावन गई वृंदावन से द्वारिका चली गई जब उन्होंने छोड़ा उस जगह को तो उस जगह पर सब कुछ उलट पुलट होने लगा उनके पति देव की मृत्यु तो पहले ही हो गई थी पर पूरा राज्य टूटने लगा तो गांव वालों ने कहा कि मीरा चली गई है इसलिए यहाँ का भाग्य साथ ले गई और ये बात सच है रामायण में लिखा है अशकली अः अश चली विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही मतलब ये जो भक्त होते हैं ना भगवान के ये जब कोई भूमि जगह छोड़ते हैं तो ये वहां का सद्भाग्य भी साथ ले जाते जैसे विभीषण गया तो विभीषण वहां रावण की आयु साथ ले गया अच्छा। लंका के जितने लोग थे उनकी आयु साथ ले गया तो समझ गए कि सब लोग की अब मीरा आएगी वापस तभी यहाँ का सौभाग्य लौटेगा तो सब मीरा को लेने गए थे द्वारिका और सब बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे कि मीरा भाई तुम हम पैर पकड़ते चलो तो मीरा ने कहा मैं चलूंगी बट पति से आज्ञा तो ले आऊ मेरे गिरधर से पूछ तो आऊं तो परमिशन लेने जा रही हूं ये कह के गई थी और मंदिर में गई और उसके बाद वापस नहीं निकली इस पे लोग थोड़ा सा तर्क करते हैं कि पीछे एक रास्ता था वहां से निकल गई एटसेक्ट्रा एटसेक्रा पर मेरा मानना यह है गिरधर की मूर्ति में समाना मीरा का कोई इम्पॉसिबल नहीं है जब मीरा ने अपने रोम रोम में कृष्ण को समा रखा था तो क्या कृष्ण मीरा को अपने रोम रोम में नहीं समा सकते भगवान अपने भक्त को जैसे भक्त समाता वैसे भगवान ने मीरा को भी अपने शरीर में अपने मूर्ति में स्थान दिया और यही मीराबाई के चरित्र में सुनने मिलता है क्या बात है मतलब प्रेम करो कृष्ण से तो मीराबाई जैसे करो बिल्कुल मीराबाई के गुरु कौन थे इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है डाउट रहता है कई लोगों का कुछ मानना है कई लोगों का कुछ मानना है कहीं कुछ लिखा है कहीं थोड़ा सा अलग है पर मोस्टली जो ज़्यादा संख्या है मानने वालों की वो कहती है कि मीरा बाई के गुरु श्री रैदास जी थे रैदास जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं यद्यपि वो जाति से चर्मकार थे आ, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे भगवान के तो मीरा एक बार अपने घर में थी अपनी उनकी एक सखी थी ललिता उसका नाम था उसके साथ रो रही थी बहुत क्योंकि मीरा का सारा जीवन आंसू में बीता है में भीग के बीता है तो वो रो रही थी कि गिरधर क्यों नहीं मिल रहा मुझे तो किसी ने उनको ये कहा था कि इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमने सुना भगवान को पाने के लिए गुरु चाहिए होता है रास्ता वो दिखाता है तो मीरा ने कहा मुझे कब मिलेगा तो गिरधर के सामने रो रही थी कि मुझे गुरु चाहिए तभी जी उनके दरवाजे पर आए थे अच्छा तब मीरा जी किसी ने कहा साधु आए और जो संत होता है वो साधुओं का बड़ा सम्मान करता है तो भागी और जाके कहते ठोकर लगी और रैदास जी के चरणों में गिरी और वह वो चरण देख के समझ गई कि यही मेरे गुरु हैं। अच्छा तो जो विशेषकर मीरा के जो गुरु बताए जाते हैं वो रैदास जी बताए जाते रैदास जी के कोई ऐसे अनुभव हैं जिनके बारे में आपने सुना है पढ़ा है आ, हाँ रेदास जी की भी कथा बहुत अच्छी अच्छी है उनमें भी आता है कि रैदास जी ने उनके हाथ से श्री गंगा मैया ने आकर के आ, एक कंगन उनको दिया था कथा वो थोड़ी सी लंबी है इसलिए मुझे उसको सुनाने में बहुत टाइम लगेगा तो बट ये है कि एक बार उन पर कोई इल्ज़ाम लगा था किसी ने उनसे कंगन चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था तो स्वयं गंगा मैया ने आकर के दूसरे हाथ का कंगन प्रूफ देने के लिए अपने हाथ से उनको ला करके के दिया था तो रेदास जी की भी ऐसी बहुत सारी कथाएँ हैं और संतों के माध्यम से भक्तमाल जी में उनको सुनाया जाता है तो ये सब पढ़नी चाहिए मुझे लगता है जो मैं बार बार नाम ले रही हूँ ना भक्तमाल वो इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो भक्तों के वो सारी कहानियाँ उसमें हैं और मैं इस पर कभी कभी जब टाइम होता है स्पेशली कोविड टाइम था तो बाहर तो कहीं जा नहीं सकते तो फिर मैंने ऑनलाइन सिर्फ इन भक्तों पे ही कथा करी थी अच्छा। आ, किसी दिन एक दिन मीराबाई एक दिन 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 सूरदास जी जी एक दिन दाज जी। तो करके एक एक कबीरदास ऐसे करके हमने वो लोगों तक थोड़ी आ, पहुंचाने का कोशिश प्रयास किया था बहुत बढ़िया इस बारे में मुझे पता नहीं था लेकिन अगर आपने कोविड टाइम में भी आपने कथाएं की ऑनलाइन तो बहुत बड़ी बात है हाँ जी तो हमने बातें की वृंदावन के चमत्कारों की और कोई ऐसी बातें हैं जो जो इंसिडेंस है मंदिर से जुड़े हुए कोई इंसिडेंस है जो आपको ऐसे याद आ रहा है मंदिर से जुड़े हुए इंसिडेंट भी बहुत हैं जैसे श्री राधा रमन लाल जी हैं बहुत प्रसिद्ध ठाकुर जी हैं वो भी पहले शालिग्राम भगवान हुआ करते थे अच्छा लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगा कि शालिग्राम वो जो होते हैं गोल होते हैं उनका कोई फॉर्म नहीं होता तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को लगा कि नहीं ये तो मुझे तो एक फॉर्म जिसकी हो ऐसा भगवान चाहिए जिसके हाथ में बंशी हो मुरली हो तो उन्होंने भगवान से खूब रोके कहा कि मुझे नहीं पता तुमको रूप लेना पड़ेगा तो ये कह के गोपाल भट्ट गोस्वामी यमुना जी नहाने गए और स्नान के जैसे लौटे तो छोड़ के तो शालिग्राम गए थे वापस लौटे तो भगवान हाथ में मुरली लेके वही शालिग्राम मूर्ति बन के खड़े थे और वो आज भी है राधा रमन लाल जी के रूप में बारह अंगुल के हैं छोटे से हैं तो वो शालिग्राम से प्रकट हुए हैं बिहारी जी की बात करें तो बिहारी जी में भी कई बार ऐसा हुआ है कि श्री ठाकुर जी को किसी भक्त ने कहा कि प्रभु आप हमारे साथ चलिए जैसे आ, अजब कुंवरी बाई एक रानी थी वो बहुत बड़ी अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद अकबर की बीवी थी तो वो आती थी और आकर के भगवान बिहारी जी से बोली कि आप मेरे साथ चलो मैं नहीं आ सकती आप तो चल सकते तो बिहारी जी चल दिए साथ साथ में उनके जाने के लिए तैयार होकर तब से ही फिर एक बिहारी जी में प्रथा चालू हो गई है कि बिहारी जी की बार बार पर्दा लगता है हम्म तो वो इसलिए लगते हैं कि ये तो भैया निराला भगवान है ये कब किसके साथ निकल जाए पता नहीं है तो किसी का कनेक्शन जुड़ने से पहले ही पर्दा लगा दो हाँ और वो बाल स्वरूप में है ना बिहारी जी बाकी बिहारी जी मैंने सुना है उनकी आयु पांच साल तक की हाँ, है नहीं ब्रज के जितने भी ठाकुर हैं ब्रज में भगवान कृष्ण ग्यारह साल रहे तो हमारे जितने भी ब्रज के ठाकुर हैं उनकी आयु यही रहती है पांच दस ग्यारह इसके बीच में इससे बड़े उनकी आयु कभी नहीं होती इसको कुमार अवस्था बोलते हैं जी ये जो कुमार और ये सभी इवन ब्रज में राधा रानी उनकी आयु भी हमेशा इतनी रहती है गोपिया जो हम रास सुनते हैं ना महारास हुआ लोग को लगता है उसमें कोई अः पच्चीस तीस पचास साल उम्र की गोपियाई होंगी नहीं उन सब की आयु भी और ये भगवान की आयु ब्रज में इससे ज्यादा बढ़ती नहीं है क्योंकि इसमें इससे ज्यादा बढ़ेगी तो फिर रीजन क्या है उसमें कामना आ जाती है काम वासना आ जाती है जी। लोगों के मन में इसलिए ब्रज में ठाकुर जी इसी आयु के हमेशा रहते हैं बिल्कुल सही कहा आ, काफी लोग ये नहीं जानते हैं कि जब रास लीला हुई थी तो कृष्ण जी सिर्फ आठ साल के थे आ, मैंने एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट भी किया है जहाँ पे हमने कृष्ण के हॉरोस्कोप जन्म कुंडली की डिस्कशंस किए हैं और इनके प्रॉपर वर्णन शास्त्रों में है कि नक्षत्र कहाँ थे ये सब कहाँ था तो जो लोग आ, ऐसा जो कहते हैं निंदा करते हैं कि अच्छा वो रास लीला करते थे नो ये बहुत गलत है क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ आठ साल के थे तो एंड आई थिंक जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत uh, उठाया था तब भी वो बहुत ही छोटे थे सात साल साथ साथ थे। साल की उम्र में उन्होंने गिरिराज जी को उठाया हम्म गोपियों की बात की आपने ऐसा कुछ अनुभव है आज भी जो ऐसे गोपियों की जो होती है ना मतलब कोई किसी को दिखी है या किसी ने किसी का ऐसा अनुभव हुआ है गोपियों के साथ ब्रज में जितने भी ये पेड़ है ना जितने वृक्ष है सब गोपियां हैं वन के पेड़ पूरा वृंदावन वृंदावन भी जस्ट नॉट वो शहर वाला वृंदावन वृंदावन है चौरासी कोस का जिसमें गिरजी परसाना सब आता है वहाँ जितने भी वृक्ष है जितने पेड़ हैं लताएं हैं वो सब गोपियां हैं इसलिए कहते वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हुए वृंदावन में जो पत्ता है वृंदावन के जो पेड़ है वहां से भी आपको राधा राधा की आवाज आएगी और वो इसलिए आएगी क्योंकि वो सब गोपिया है अलग अलग रूप बना करके वो ब्रज में निवास करते हैं और यही रीजन है कि जब हम जाते हैं तो हमको कहते हैं वृंदावन के वृक्षों को काटो मत कष्ट मत दो पीड़ा मत दो एक कई ऐसे एग्जाम्पल हुए जहां लोगों ने काटने की कोशिश करी एक जगह है इमली तालाब वृंदावन में आ, उस पेड़ को काटा गया तो उस पेड़ से खून बहने लगा उसको तुरंत रोका गया वो पेड़ आज भी है लोग जाते हैं दर्शन करते हैं उसका तो मुझे लगता है वृंदावन जो है ना ये अपने आप में चिन्ह में भूमि है चिन में मतलब ये हर पल ऑटोमेटिकली चेंज होता है ये वृक्ष कभी गोपियां बन जाते है और गोपियां कभी वृक्ष बन जाती है इवन हम कहते हैं क्योंकि ये मांगते हैं कि जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो हम वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहते तो भगवान फिर उनको कहते भाई क्या बनाऊ तुमको बोले कुछ भी बनाओ हम ब्रज में एक भजन में गाते कि वृक्ष भी बनइयो तो बनइयो शिव वृंदावन को सूकर भी बनइयो तो बनइयो शिव वृंदावन को और बानर भी बनइयो तो बनइयो शिव वृंदावन को टूक हरिभक्तन से मांग मांग खाऊंगो तो ये सारी जो ब्रज के लोग हैं यमुना नदी है यमुना जी के आसपास जितने भी सब पत्थर पत्थर ये सब भगवान के ही दूत हैं पार्षद गोपियां हैं पर किसी आंख वाली सूझ ने पहचान की कण कण में झांकी है भगवान की बहुत सुंदर उसके लिए आंख चाहिए उसके लिए आपको प्रेम की दृष्टि चाहिए तभी आपको ये जो एक जितनी देर से हम जो चर्चा कर रहे हैं आई थिंक सारी फोकस वृंदावन पर ही है जी। तो ये जो वृंदावन आप कहोगे कल को जाके कि हमने आपके पॉडकास्ट में तो ऐसा वृंदावन सुना था हम आ रहे हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है वो उन लोगों को नहीं दिखता ये वाला वृंदावन जो सिर्फ वहाँ फोटो की जाने जाते हैं बिल्कुल जो वहां सिर्फ रील बनाने जा रहे हैं उनको ये वाला वृंदावन नहीं दिखेगा बिल्कुल। उनको कंक्रीट का वृंदावन दिखेगा बिल्डिंग्स का वृंदावन दिखेगा अगर ये वाला वृंदावन देखना है तो पहला तज मायामान अभिमान और माया मोह ये हटा के जाइए और वहां जाकर के ये सोचिए कि मुझे यहां अपना अपना दिल दे देना है अपना मन दे देना है आपने शायद कभी वृंदावन गए हो तो वहाँ एक बहुत ही ट्रेंड है कि लोग टी शर्ट पहनते हैं और उस पर पीछे लिखा था आई हैव लॉस्ट आई हार्ट इन वृंदावन तो मैं कहती हूँ कि जब वृंदावन आओ तो यही सोच के आओ कहीं घूमने जाते हैं लोग कहीं कोई कपड़ा छोड़ आता है कहीं कोई पर्स छोड़ आता है वृंदावन जाओ तो वहाँ अपना दिल छोड़ा क्या बात है वहाँ अपना मन छोड़ के आ जाओ तब असल वृंदावन आपको ये वाला वृंदावन दर्शन हो और इसके लिए थोड़ा सा कोई रसिक गुरु भी होना चाहिए जिस हो वृंदावन के कौन से क्योंकि वृंदावन में काफी ऐसी जगह है जहा पे कृष्ण लीलाएं हुआ करती थी कृष्ण से जुड़ी हुई काफी ऐसी जगहें भी हैं जहां तक लोग पहुंच नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है तो ऐसी कौन सी जगह है वृंदावन में जो एज ए टूरिस्ट अगर कोई जाना चाहे तो जो कुछ स्पॉट्स है जो नॉट टू मिस है वो कौन से होंगे देखिए कुछ जगह तो है ही जैसे लोग जाएंगे तो बिहारी जी जाएंगे राधा रमन जी जाएंगे वृंदावन में सप्त तो देवालय सात मंदिर हैं जिनमें से कुछ भगवान की असल मूर्ति है वृंदावन में कुछ नहीं है बट विशेषकर श्री राधा वल्लभ जी हैं है, राधा रमन जी हैं राधा विनोद जी हैं और बाकी बिहारी जी हैं इनके मंदिरों के दर्शन जरूर करिए गोविंद देव जी हैं वहां भी जाना चाहिए यद्यपि उसकी जो ओरिजिनल मूर्ति है वो जयपुर में है पर मंदिर का तो महत्व है ही तो वहाँ जाना चाहिए वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है मदन मोहन जी वहाँ भी मूर्ति नहीं है लेकिन मंदिर है दूसरी मूर्ति रखी गई क्योंकि जैसे मुगल आए थे तोड़ने लगे तो मूर्तियों को बचाने के लिए कुछ मूर्तियां शिफ्ट कर दी गई दूसरी जगह अच्छा तो मदन मोहन जी करौली चले गए गोविंद देव जी जयपुर चले गए मंदिर अभी भी है तो वहाँ दर्शन करना चाहिए वृंदावन में बहुत अच्छा स्थान है तटिया स्थान वो हरिदासी परंपरा का है अच्छा वो आज भी एक ऐसा स्थान है जहाँ लाइट नहीं है जहाँ कोई भी एसी पंखा कूलर नहीं है आप फोन नहीं ले जा सकते यूज नहीं कर सकते मतलब और वो प्रॉपर जो वृंदावन था वैसा ही दिखता है आज भी मिट्टी है रेत है वहाँ जाना चाहिए वहाँ थोड़ा सा शांति से बैठना चाहिए तटिया स्थान के दर्शन करो वृंदावन से थोड़ा सा दूरी पर बिहार वन एक बहुत अच्छा जगह है वो भी पूरा ऐसा ही वन है मैं ये नाम इसलिए ले रही हूँ नॉट टू मिस आपने जैसे कहा लोग ना बस फेमस जगह भागते हैं वहाँ भी जाइए पर असली वृंदावन का भी दर्शन करिए और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने पहले भी कई जगह बोली है वृंदावन जाओ यमुना जी पे बैठिए थोड़ी देर यमुना जी का दर्शन करिए यमुना में स्नान करिए और वहाँ बैठ के थोड़ा फील करिए वृंदावन अनुभव है फीलिंग है तो वो फील तो करके आइए ना बस गए भाग दौड़ में धक्के खाके आ गए वो नहीं होना चाहिए तो यमुना जी पे बैठिए और यमुना जी के सामने बैठ के ठाकुर जी की लीला का दर्शन करिए कुछ कुछ जगह है जहाँ जरूर जाना चाहिए यमुना जी में दिया छोड़ने की एक परंपरा है प्रथा है उसका कोई महत्व है वैसे तो हर रोज लोग जाते हैं यमुना जी में दिया अर्पित करते हैं पर एक महीना है कार्तिक महीना उसमें विशेष होता है दीपदान होता है दीपक दान किए जाते हैं उसमें दीप दान का महत्व क्योंकि एक छोटी सी कथा आती है ठाकुर जी छोटे थे भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण अपनी मैया यशोदा के साथ गए यमुना जी के पास बैठे थे सारी गोपियाँ दान कर रही थी दिया तो यशोदा मैया जानती है बहुत खुरा पाती है कुछ ना कुछ नाटक करेगा तो उसको डांट के गई यहाँ से जाना नहीं तो श्री कृष्ण को छोड़ करके सब चली गई थोड़ी देर में गोपियों ने देखा कि दिए डाल तो रही है वो यमुना जी में पर सब गायब होते जा रहे तो किसी ने कहाँ गए तो एक गोपी बोली देखो दूर देखो तो देखा तो श्री कृष्ण सारे दिए अपने हाथ में लेके ऐसे खड़े थे तो गोपियों ने कहा रे तू क्या यशोदा मैया ने डांट लगाई तू क्या कर रहा है तो श्री ठाकुर जी ने हंस के जवाब दिया कि ये दिए डूब रहे थे मैं उनको बचा रहा हूं तो यशोदा मैया ने कहा कि डूबता तो डूब तो सारी दुनिया रही है तो कृष्ण ने कहा कि जिसका मुख मेरी तरफ है उसको नहीं डूबने दूंगा ये मेरा वादा है तो जिन दियो का मुख मेरी तरफ है उनको मैं डूबने ना दू ये मेरी प्रतिज्ञा है तो मुझे लगता है एक ये भावनात्मक भाव है कि शायद दिए का मतलब हम खुद हैं हम खुद अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर रहे हैं और ठाकुर जी हमारे उस नाव को पानी में डूबने ना दे वो चलता रहे ये भावनात्मक भाव है दिया अर्पित करने का आ, वैसे जैसा मैंने कहा कार्तिक में विशेष होता है दीपावली के आसपास पर वैसे कभी भी अगर आप जाते हो वृंदावन तो जरूर जाना चाहिए दीपदान दीपक अर्पित करना चाहिए क्या बात है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर बातें की हमने वृंदावन के बारे में श्री कृष्ण के बारे में एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतनी सुंदर सुंदर बातें की और आपके अनुभव आपने बताए जाते जाते आपको आ, अगर आपका कोई एक कोई पर्सनल अनुभव बताना है तो आप बता सकती हैं नहीं तो आपको गाना है तो आप गा भी सकती हैं <laughs> <laughs> uh, मैं अनुभव तो मैंने जैसा कहा कोई बहुत बड़े अनुभव नहीं है मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग को लगेगा अच्छा इनको तो बहुत सारे अनुभव है नहीं पर हाँ ठाकुर जी ब्रज में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो लीला करते रहते हैं उससे एहसास होता है कि वो आसपास ही है वो कहीं दूर नहीं है महसूस कराते रहते हैं तो आप भी जाओगे आपको भी भगवान करे कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो कि आप वहाँ से लौट ही ना पाओ ऐसा प्रेम आपको पकड़ ले जकड़ ले कि आप कभी जा ना पाओ पर हाँ एक पंक्ति मैं जरूर सुना सकती हूँ भजन की जरूर वृंदावन की बात करी बहुत सारे लोगों की बात ये होगी कि हम रहना तो चाहते हैं बट नहीं रह पा रहे जिसको ब्रजवास कहते हैं वृंदावनवास कहते हैं तो मैं कहती हूँ आप वृंदावन नहीं रह सकते कोई बात नहीं पर वृंदावन की ये बातें आपके भीतर रहनी चाहिए आपका मन वहां रहना चाहिए आप बॉम्बे में रह के भी वृंदावन रह सकते हो अगर आपका मन वृंदावन में है बिल्कुल तो भी वो ब्रजवास है तो इस उसके लिए एक पद है ये भजन और पद में थोड़ा डिफरेंस भजन तो कोई भी पद होता है जो कोई विशेष लोग लिखते हैं जैसे सूरदास के पद मीरा के पद अच्छा तो उसमें ये कहा है कि मन को हम समझा रहे हैं कि तुझे वृंदावन से दूर नहीं जाना तो उसका ये दो पंक्ति दो लाइन है कर वृंदावन रे मन कर वृंदावन वास राधा राधा रटहु निरंतर राधा राधा रटहु निरंतर करमन दृढ विश्वास रे मनु वृन्दावनवासवृन्दवनवासरे वृंदावन वृंदावन वास इस पद में में यही भाव है कि मन को में रखो और क्या करना है वृंदावन राधा राधा रटहु निरंतर हर पल हर पल बस उनका नाम लेता रहूं तो ये भाव रखोगे तो मन वृंदावन में रहेगा बहुत ही खूबसूरत तो और बहुत ही बढ़िया शब्द ही नहीं है मैं कुछ बयां ही नहीं कर पा रही हूँ इतनी खूबसूरती से आपने आ, ये गाया वाह क्या बात है आई वुड लाइक टू एंड दिस पॉडकास्ट आपसे थैंक यू कहकर कि आप आए वृंदावन से आए और पॉडकास्ट किया आपका समय दिया एंड आई होप कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उन्होंने uh, इस पॉडकास्ट से कुछ सीखा होगा कुछ इंस्पिरेशन लिया होगा आस्था जरूर बढ़ती है जब ऐसी आ, ऐसे बातें हम करते हैं एंड आज आ, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ रही है एंड जब भी मैं मंदिर जाती हूँ इस्कॉन मंदिर जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे संख्या में लोग आते हैं छोड़ रहे हैं और अक्सर मैंने देखा है अधिकतर युवा और युवक ही वहाँ पर मौजूद होते हैं भजन कीर्तन करते हुए बहुत-बहुत so, uh, so धन्यवाद बहुत आपने मुझे बुलाया हमने वृंदावन की इतनी सारी बातें करी आई होप कि अब तुरंत इस पॉडकास्ट को देख लोग नेक्स्ट डेकेट वृंदावन की करें वहाँ जाएं और नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए नहीं भगवान को पाने जाओ तो आपको वहाँ का असल आनंद जरूर आएगा बिल्कुल आएगा सो so, आप मेरा पॉडकास्ट फॉलो कर सकते हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत ही ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट भी मैं करती हूँ और स्पिरिचुअल ऐसे वाले पॉडकास्ट भी मैं करती हूँ सो फॉलो मी सब्सक्राइब लव राधे 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 राधे